अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से, रहमत तो शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जी, काफ़ी दिन बाद मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा काम था, सियालकोट गया हुआ था मैं, तो आज ही वापस आया हूँ, तो टाइम ही मिल रहा था, तो सोचा आज वीडियो बनाएँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे मिस कर रहे हैं, उनसे माजरत। तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ, अब इंशाल्लाह तकरीबन एक दिन छोड़ के वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आया हूँ इधर गाँव में, बॉर्डर पे दोस्त है साथ, उसके पास आया हूँ। चलें तो आपको कुछ व्यू दिखाते हैं बॉर्डर का, और दोस्त से मिलते हैं। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका प्यार इस मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही मेरे दोस्त उस्मान भाई भी आ गए हैं, चलें तो उनसे मिलते हैं। हाँ जी उस्मान भाई, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम गाइस, ठीक ठाक उस्मान भाई? तुसी सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह पाक का करम है, हम भी ठीक हैं, खुश भाई भाई भी ठीक हो, और आप भी ठीक होंगे। तो आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम कुछ आपके उधर खेतों में जाएंगे, बॉर्डर दिखाएंगे दोस्तों को, बॉर्डर दिखाएंगे आप। तो भाई शुभ को चैनल को कर लें सब्सक्राइब, तो चलते हैं फिर वहाँ। चलिए तो चलते हैं ऊपर, टंकी बनी हुई है तो ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू आता है खेतों का भी, और साथ में नहर है वो भी आपको दिखाएंगे। चलें चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, सांस फूल रही है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके ऊपर आए, आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे है और काफ़ी लंबाई है तकरीबन इसकी, तो थक गए। चलें तो आपको व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर का व्यू आपने देखा, बड़ा ही माशाल्लाह प्यारा व्यू आया। अब चलते हैं नीचे जी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम जो है ना नीचे आ गए हैं, तो काफ़ी थक चुके हैं, थोड़ा आराम करेंगे, और अभी आपको कुछ दिखाएंगे व्यू जो है ना अपने प्यारे से गांव का। पंजाब की शान है ये हरियाली और ये खेत, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड, क्या हाल चाल है फिर आपके? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो कमेंट में बता दिया करें कि कैसा लगता है आपको देसी माहौल, और क्या बेहतरी हो सकती है बोल चाल में या वीडियो में, और सुनाएं आप क्या लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये नीचे पानी भरा हुआ है, नीचे सारा खेत में पानी भरा हुआ है जी। तो जनाब, अभी हम आए हैं एक नहर पे, जो कि मेन बॉर्डर तो नहीं है पर बॉर्डर से पीछे है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने देखा है कुछ खेत वगैरह पानी में डूबे हुए, आपको भी दिखाता हूँ, और आपको वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ से पानी आ रहा है, नहर है जी, नहर के पीछे से पानी आ रहा है। इस देखिए, इस पीछे देखिए सारे खेत जो हैं कुछ जो है नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, और जो काफ़ी ज़्यादा खेत जो हैं वो डूब चुके हैं, आप देखें। बस ये पीछे है, इस तरफ जो है वो इंडिया है, ये सारे खेत हैं आप देख सकते हैं, ये डूबे हुए हैं सारे खेत, ये देखें। और मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे और दिखाता हूँ वो जहाँ पे पानी आ रहा है।
काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ इस दफ़ा जो है ना, गंदम का रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, यकीनन 400-500 फी मन के ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में। तो इसमें किसान का भी नुकसान है और आम आवाम का भी। ये देखें आप, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ऊपर नहर है और ये नीचे पानी, ये पानी नीचे से पानी निकल रहा है, ये खेतों में जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ से खेतों में जा रहा है। सारे खेत जो हैं वो डूब चुके हैं और वो पीछे गाँव है एक, जिस गाँव के ये खेत हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है जी। मैं अपने हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि खेतों के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये फसल है जो है ना, ये एक अपने मुल्क की इकानमी बेहतर करती है, जो भी है ना, जो आप दरामदात या दरामदात होती हैं कुछ भी होता है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है हम पे अपने रब की कि हम खुद का फसल उगाते हैं और बाहर जाता है, बाहर से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, खालस चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान शिबाज राजपूत को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।